हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो हाल फिलहाल आपका मनाली आने का प्लान है, तो मनाली टूर आप आसानी से कैसे प्लान कर सकते हैं, कितने दिन का टूर प्लान सफिशिएंट है मनाली के आसपास के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को देखने के लिए, और अच्छी खासी बर्फ़ भी आप विजिट करके देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा जगह कोई दूसरा नहीं होगा। मैं हूँ अभी रोहतांग पास हाईवे पर, जहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ है, तो सोचा यहीं से आप लोग के साथ शेयर करूं कि मनाली टूर आप कितने दिनों में ठीक ठाक प्लान कर सकते हैं और लगभग सभी जगह को घूम सकते हैं। अब मनाली टूर के प्लान के बारे में बताऊं मैं तो, सबसे बेस्ट रहता है 3 दिन का टूर प्लान करें, सफिशिएंट होता है, सभी जगह को आसानी से आप एक्सप्लोर कर पाएंगे मनाली के आसपास के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। यदि आप मनाली विजिट कर रहे हैं तो आप यदि सुबह सुबह मनाली आ रहे हैं, 6-7 बजे मनाली पहुँच रहे हैं, तो सबसे पहले चले जाएँगे आप अपने होटल में। तो होटल में जाइए और स्टे करिए, तो काफ़ी लंबी जर्नी होती है फर्स्ट डे की, तो फर्स्ट डे का आप टूर प्लान कर सकते हैं। लोकल के जो मनाली टूरिस्ट प्लेसेस हैं ना, उनको आप घूमिए, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप यदि 2 लोग हैं, स्कूटी या बाइक हायर कर लीजिए, उसकी मदद से घूम सकते हैं, या फिर आप टैक्सी हायर कर लीजिए। टैक्सी वाले 1000 से 1200-1300 के बीच में चार्ज करेंगे, लेकिन 1000 रुपया तो मिनिमम चार्ज करेंगे ही करेंगे। तो टैक्सी लेके आप घूम सकते हैं, वो ले जाएंगे आपको हिडिम्बा माता मंदिर, क्लब हाउस, मनु टेंपल, वशिष्ठ, और फिर मनाली माल रोड के पास छोड़ देंगे, वहाँ आप घूम सकते हैं बौद्ध मंदिर, वन विहार, मनाली माल रोड में घूम सकते हैं, और ढेर सारी वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। तो पहला दिन आप लोकल टूर का प्लान करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब बात करूँ सेकेंड डे आपको क्या करना चाहिए। सेकेंड डे आप प्लान करें घूमने के लिए रोहतांग पास हाईवे की तरफ, तो उससे क्या होगा, सुबह सुबह निकल जाएं तो आप पहुंच जाएंगे रोहतांग पास हाईवे। सुबह 8-9 बजे निकल जाएं, नहीं तो ट्रैफिक जाम होती है, 2 घंटे लगेंगे, रोहतांग पास के टॉप पर आप पहुंच जाएंगे, और वहां पर आपको 1.5-2 घंटे जितना समय बिताना है वो आप बिताइए। रोहतांग पास जाएंगे तो उस दिन का वो चार्जेस कर सकते हैं। रोहतांग पास हाईवे अटल टनल सीसु सोलंग वैली लेते हुए वापस वो ले जाएंगे, तो टैक्सी वाले का पीक सीजन है तो फेयर कोई फिक्स नहीं रहता है, फिर भी मोटा मोटा बता दूं, वो 5000-6000 या 7000 रुपये समथिंग चार्ज कर सकते हैं एक दिन का, कभी कभी 8000 भी करते हैं, तो कोई फिक्स रेट नहीं है। मैं पहले बता दूं, फ्राइडे सैटरडे संडे को ज़्यादा चार्ज करते हैं, बाकी दिनों में कम रेट रहता है। और हिमाचल टूरिज्म की बसेस चलती है मनाली माल रोड में, उसका ऑफिस है, वो 600 रुपया लेते हैं, तो उससे भी आप सस्ते में आप घूम सकते हैं। रोहतांग पास ले जाएंगे अटल टनल सोलंग वैली, और घुमा के शाम को वो वापस छोड़ देंगे। ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं हिमाचल टूरिज्म की ऑफिस से या फिर वेबसाइट को विजिट करके। अब बता दूं, यदि रोहतांग पास विजिट करेंगे तो इसी तरह का आपको बर्फ़ देखने के लिए मिलेगा अच्छा खासा, और रोहतांग पास में अगस्त महीने तक डेफिनेटली आपको बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगा, और स्नो वाली एक्टिविटी भी पहुंचकर कर पाएंगे। अब यहां पर रोहतांग पास में पहुंचकर कौन कौन सी एक्टिविटी आप कर पाएंगे तो बता दूं मैं, यहां पर स्केटिंग की एक्टिविटी कर पाएंगे, यहां पहुंचकर ट्यूब स्लाइडिंग की एक्टिविटी होती है वो कर पाएंगे, याक राइडिंग होता है वो वाली एक्टिविटी कर पाएंगे, और स्नो बाइक राइड होता है वो वाली भी एक्टिविटी यहां पर होती है। तो ये कुछ एक्टिविटी है तो डेफिनेटली आप रोहतांग पास में विजिट करके कर पाएंगे, तो अच्छी खासी एक्टिविटी होती है। और बर्फ तो डेफिनेटली आपको अगस्त या उसके बाद भी, इस साल तो बहुत बर्फ़बारी हुई है, तो हो सकता है अगस्त के बाद भी आपको बर्फ देखने के लिए मिल जाए, लेकिन आप सोचेंगे कि अक्टूबर नवंबर में आपको रोहतांग पास में बर्फ देखने के लिए मिल जाए तो उसकी संभावना कम होगी। जब फ्रेश स्नोफॉल होगा तभी आपको फिर रोहतांग पास में फ्रेश स्नो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगस्त महीने तक तो डेफिनेटली बर्फ मिल जाएगा, और यदि बहुत ज़्यादा बर्फ हो रोहतांग पास में तो आपको शायद सितंबर में भी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपको डेफिनेटली बर्फ देखने के लिए मिल जाएगा रोहतांग पास में।
इसके अलावा आप सोचेंगे कहीं और बर्फ देखने के लिए मिल जाएगा मनाली के पास, तो उसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तो आपको रोहतांग पास विजिट करना ही पड़ेगा। एटीवी बाइक खड़ी है, तो इस तरह की एक्टिविटी भी आप रोहतांग पास में पहुँच कर पाएंगे। अब मैं दाम बता दूं, एटीवी बाइक करेंगे तो उसका कुछ 500-700 रुपए लेते हैं चार्ज, स्केटिंग करेंगे उसका भी कुछ 500 लेते हैं, याक राइडिंग का 200, स्नो ट्यूब में स्लाइड करेंगे उसका भी 200 चार्ज करते हैं। तो किसी का रेट फिक्स नहीं है, ज़्यादा ही बोलेंगे तो बार्गेन ज़रूर करें। मोटा मोटा मैंने प्राइस रेट बता दिया आपको, कितना पे करना पड़ सकता है ये सारी एक्टिविटी करेंगे तो। याक राइडिंग करेंगे उसके भी 100 या 200 रुपया चार्ज कर सकते हैं, तो बार्गेन ज़रूर करें। जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सस्ते में हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा महंगा आपको देना पड़ेगा एक्टिविटी करने के लिए, जो भी एक्टिविटी होती है रोहतांग पास में विजिट करने के बाद। तो दूसरे दिन का तो प्लान हो गया, आप रोहतांग पास, अटल टनल, सोलंग वैली में एक्टिविटी होती है बहुत सारी, पैराग्लाइडिंग और दूसरी एक्टिविटी, जिप लाइन एक्टिविटी और बहुत सारी, वो पहुँच कर सकते हैं। अटल टनल 10,000 फीट की ऊँचाई पर सबसे लंबा टनल है एशिया का, उसे भी देख सकते हैं। शिशु जाना चाहे तो जा सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हैं। जिप लाइन की एक्टिविटी होती है और कोई खास एक्टिविटी वहाँ पर नहीं होती है। तो दूसरा दिन का प्लान आप इस तरह कर सकते हैं घूमने के लिए। तीसरे दिन आपको कहाँ प्लान करना चाहिए विजिट करके घूमने के लिए, तीसरे दिन आप चले जाएं कसोल मणिकरण, मनाली से लगभग कसोल मणिकरण 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी सुबह निकल जाएँ और घूम कर आप शाम तक वापस आ सकते हैं। तो वहाँ पर मणिकरण में गुरुद्वारा है, गर्म पानी का कुंड है, दर्शन करिए, गर्म पानी का कुंड में नहाना नहाइए। कसोल घूमना हो तो कसोल टाउन वहाँ घूमिए, चलाल विलेज है, ग्रहण विलेज है, जो भी है जितना समय मिले आपको आप कसोल का लोकल मार्केट घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। कसोल में पहुँच कर शाम को घूम कर आप वापस आ सकते हैं 5-6 बजे तक। मनाली से कसोल के लिए टैक्सी बुक करेंगे, मोटा मोटा एवरेज प्राइस बता दूं, ऑल्टो टैक्सी वाले 3,500 से 4,000 के बीच में चार्ज करना चाहिए, ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं लेकिन मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको इतना चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 दिन में आप आसानी से मनाली के लगभग जो भी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है उसको घूम सकते हैं। और ज़्यादा दिन यदि आप रुक रहे हैं तो चौथे दिन भी रुक रहे हैं या उससे ज़्यादा दिन, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है घूमने के लिए, तो आप नागर कैसल देख सकते हैं, वहाँ पर मंदिर है, उसके बाद वाटरफॉल है, जोगनी वाटरफॉल चले जाइए, साजिला वाटरफॉल चले जाइए, सोयाल विलेज है वो घूमना है तो वो चले जाइए, ऑफ बिट प्लेसेस है, मनाली वन विहार है, हिडिम्बा मंदिर के पीछे वाला वो ट्रक करना हो आपको तो वो ट्रक कर सकते हैं। तो बहुत सारे जगह है घूमने के लिए मनाली में, जितना दिन रहें उतना ज़्यादा आप घूम सकते हैं, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन मोटा मोटा 3 दिन में ठीक ठाक आप मनाली के टूरिस्ट प्लेसेस को घूम लेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया होगा, मनाली टूर प्लान के बारे में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा अपने इस चैनल पर। इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर लें, इसी तरह के ब्यूटीफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए।